अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। अच्छा, स्थिति से है कि आपकी समर वेकेशन की जो मई के मंथ की वर्किंग है उसके बारे में थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। इंग्लिश एक है जो कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके स्टेप के अंदर शामिल हैं, स्टेप टू के अंदर, क्योंकि मई की जो वर्किंग है उसके अंदर वो ऐसे कंसिडर होंगे, यानी कि स्टेप टू कंसिडर होगा। तो उसके कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ उसके जो है इंग्रीडियंट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जी यहाँ से हम देखेंगे कि स्टेप टू आपके पास है, मई का है और सब्जेक्ट इंग्लिश ए है, यूनिट नंबर थ्री। यूनिट नंबर थ्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज यानी कि यूनिट नंबर थ्री की है और उसका जो लेसन है लेसन नंबर फाइव। ओके, अब लेसन नंबर फाइव का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके अंदर से हमने चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ है जिसको हमने मेमोराइज करना है यानी कि याद करना है जो चीज़, और कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको हमने समझते हुए चैप्टर की हम बुनियाद तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे चैप्टर के हम टाइटल के ऊपर जाते हैं। चैप्टर का टाइटल है दाऊद राइट, यानी कि दाऊद राइट, दाऊद इज द नेम, राइट का मतलब है सवारी। दाऊद ने एक सवारी की है, वो किस रास्ते से गुजरता हुआ, कैसे उसने सफ़र किया, उस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे एक कोई भी आपके पास एक कहानी है उसके अंदर किरदार होते हैं, उस कहानी के अंदर कितने किरदार हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं या पाँच हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर करेक्टर्स, करेक्टर्स हम कहते हैं किरदार, किरदार कितने हैं, यानी कि हम देखते हैं लेट्स सपोज के उसके अंदर कितने हमारे पास किरदार आ रहे हैं। दाऊद राइट के अंदर बेसिकली स्टोरी टाइप चैप्टर, ये आपके पास एक स्टोरी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एक्चुअल स्टोरी भी हम उसको कह सकते हैं, रियल स्टोरी भी हम उसको कह सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास करेक्टर्स आ गए, किरदार आ गए। किरदार इसके अंदर बेसिकली दो से तीन आएंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा दाऊद, और उसके बाद फिर इसके यानी कि जो पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद इसके जो है ब्रदर, और फिर आपके पास जो सिस्टर है, ये कुछ रिलेशन है उसके जो आपको बताएंगे, यानी कि चैप्टर में उनका वो कैसे उनके साथ कैसे खेलता है। अब जैसे कि वो क्या दाऊद ने आठवीं बार का इम्तिहान जो है यानी कि एक मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं वो पास किया, उसके बाद उसके फादर ने उसको एक बाइसिकल दे दी। बाइसिकल जैसे ही उसको लेकर दी तो उसने नेक्स्ट जो है विलेज के गाँव के जो स्कूल वगैरह है वहाँ पर विजिट करना शुरू कर दिया, या वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, वहाँ स्कूल में दाखिला ले लिया, नेक्स्ट स्कूल में वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया। दाऊद की जो लाइफ है उसके अंदर क्या सबसे पहले शामिल है, स्कूल और एजुकेशन। दाऊद को सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्टेबल चीज़ लगती थी वो क्या थी, एजुकेशन। ये उसके लिए सबसे अच्छी और रिस्पेक्टेबल चीज़ थी, यानी कि जिससे वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। उसके बाद दाऊद के रिलेटिव्स हम कहते हैं यानी कि रिश्तेदार जिनके साथ उसका एक ताल्लुक था, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं पेरेंट्स, ब्रदर और फिर सिस्टर। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोरी क्या है, स्टोरी इस तरीके से है, स्टोरी हकीकत में है। दाऊद के बाद जो है उसको एक बाइसिकल लेकर देते हैं, वो बाइसिकल के अंदर बाइसिकल पे सफ़र कर रहा होता है, अचानक किसी एक खाली जगह से गुजर रहा होता है, खाली जगह से जब गुजर रहा होता है तो वहाँ पर उसका एक गोश्त जिसको हम उर्दू में भूत गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनका इस गलत उसका एक जो है क्रिएटिव सब्यू उन्होंने पैदा किया है चैप्टर वालों ने कहानी बनाने के लिए कि वो उसके सेकंड के ऊपर सवाल होना यानी कि राइट करने की कोशिश करती है। वो जो हमारे पास जो आप चैप्टर के अंदर जो इंग्रीडियंट्स हैं उसके अंदर ये बताया गया कि जो चीज़ उसकी बाइसिकल पर सवार होने की कोशिश करती है और जो जैसे ही सवार होने की कोशिश करती है दाऊद जो है इन फुल ऑफ फियर बहुत ज़्यादा उसको डर लगना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, अब साइकिल को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना शुरू कर देता है, ठीक है, साइकिल को तेज़ चलाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशानी के सामना भी उसको करना पड़ता है। और ये है कि एक इनविजिबल सी चीज़ है कि वो चीज़ों को देख भी रहा है, वो अपने सामने जो है उसकी साइकिल जो है वो जो उसकी साइकिल है उसके ऊपर जो चीज़ बाहर होने की कोशिश की है उससे डर कर वो बाहर है। तो इट्स अ मेकिंग स्टोरी, मेकिंग हम कहते हैं कि कहानी को बनाया गया, ठीक है, तो इसको हम हकीकतन भी कह सकते हैं, ठीक है, हकीकत में भी ये चीज़ बात है कि हकीकत में भी ऐसा हो सकता है, गाँव के लोगों में ज़्यादा ऐसे वाक्य पेश आ सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह करना क्या, चैप्टर की स्टोरी आपको बेसिकली ये मैंने बता दी कि दाऊद जो है आठवीं क्लास का एक स्टूडेंट था, उसको आठवीं दिमाग पास करने के बाद उसके फादर की तरफ से एक साइकिल गिफ्ट किया गया, और गिफ्ट वो साइकिल था उसके ऊपर एक दफ़ा वो सफ़र कर रहा था, अपने पेरेंट्स को मिलकर वापस जा रहा था, अपने पेरेंट्स से मिलकर वापस जा रहा था ग्रैंड फादर की मदद की तरफ। तो वहाँ पर रस्ते में एक जो गोश्त है उसके साथ, एक जो भूत है उसके साथ उसका एक सामना हुआ है। सामना इस तरीके से हुआ है कि जैसे उसने उसका सामना किया उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी बर्दाश्त करनी पड़ी है, थोड़ी सी ऐसी डिफिकल्टी बर्दाश्त करनी पड़ी है कि जिसकी वजह से उसको सुपर ह्यूमन का लफ्ज़ एक आपके चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है। सुपर ह्यूमन यहाँ पर मैं लफ्ज़ देखता हूँ,
ये सुपर ह्यूमन, इसका मतलब है पूरी इंसानी ताकत के साथ उसने साइकिल को चलाता रहा ताकि वो अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच सके। अब इस चैप्टर में से आपको स्टोरी का पता लग गया कि दाऊद कौन था। दाऊद इज द नेम, राइट यानी को सवारी है। सबसे पहले आपने करना है इसके अंदर से वर्ड्स और मीनिंग्स, आपको एक लिटरेचर की फॉर्म में, आपको जो 181 से जो आपको एक लिटरेचर की फॉर्म में नेक्स्ट मंथ की बुकिंग मिलेगी उसके ऊपर ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में लिखे हैं वर्ड्स भी मीनिंग्स भी। यू हैव टू मेमोराइज इट, आपने उसको याद करना है ताकि आप अपना जो है मिड टर्म का एग्जाम, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो भी आप देंगे उसके लिए ये सिलेबस आपका काउंट होगा। ये वो ही सिलेबस है जो आप याद करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसी तरीके से आपके पास आंसर्स आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिए गए हैं, जैसे आपको लास्ट टाइम दिए गए वो आपने कर देने हैं। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब दाऊद राइट के चैप्टर पर, दाऊद राइट के चैप्टर पर जहाँ पर आपके पास रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चन का पेज है, वो जो पेज है वो क्वेश्चन कहलाता है। उस पेज के ऊपर जो आप रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है हेडिंग दी हुई है वो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमें आंसर्स भी मिल रहे, क्वेश्चन भी मिल रहे, तो बच्चे रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ही है, वो क्वेश्चन हैं और उसके आंसर ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर है। तो इस तरीके से कि आपके पास एक चैप्टर था दाऊद राइट का, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।